मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। जी हां, सूत्रों से यही खबर आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है, यानी देश में होगा एक ही चुनाव केंद्र और राज्यों का। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि संसद के स्पेशल सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड और वुमेन रिजर्वेशन बिल भी ला जा सकता है। मुंबई में इंडिया वाले एकजुट होना शुरू होते हैं। 28 दलों के सभी दिग्गज टीम इंडिया की ताकत का प्रदर्शन करते हैं, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक। तमाम दिग्गज मुंबई पहुंच जाते हैं और तभी एक विस्फोटक खबर आती है। जी हां, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया है। मोदी का यह कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? इंडिया वाले या फिर सियासत पर बारीकी से नजर रखने वाले कुछ समझ पाते हैं। एक और विस्फोटक खबर आती है। जी हां, सूत्रों के हवाले से कहा जाता है कि संसद के स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का बिल लाया जा सकता है। इसके बाद तो सारी सियासत एक देश एक चुनाव पर ही फोकस हो जाती है। बगैर हम राय मशवरा कर, बगैर सारे स्टेक होल्डर से पूछकर, बगैर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट लेकर, बगैर उनसे ये पूछकर कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, बगैर वो सिक्योरिटी सर्विसेज से पूछ करके इतना हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एट द सेम टाइम, बगैर उन स्टेट गवर्नमेंट से पूछकर कि क्या वो सहमत है या नहीं सहमत है, बगैर चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेकर अगर वो ये निर्णय लेते हैं हम उसका विरोध करेंगे। तिल मिलाई हुई, घबराई हुई एंड लास्ट स्टेजेस ऑफ पावर में अपना पावर दिखाने की कोशिश करें, हम उसका विरोध करें। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है। चाहे वो जितना भी प्रयोग कर ले, अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर विश्वास करने वाली नहीं है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी राज्यसभा में वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले ही कह चुके हैं। चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो, मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं व्यक्तिगत जब भी मिला हूं सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए, एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना दो महीना चुनाव का उत्सव चले फिर सब काम में लगे, ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी, क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची, कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता, और मैं बता दो पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे तर्क यह है कि चुनावी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा खर्च होता है, पूरे देश में एक साथ चुनाव होने पर समय और धन दोनों की बचत होगी। सिर्फ राज्यसभा से ही नहीं, पीएम मोदी लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुके हैं। हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है एक देश एक साथ चुनाव।
ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 5 दिन के संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल और विमेन रिजर्वेशन बिल भी ला सकती है। आज तक ब्यूरो। देश में एक चुनाव की खबर फैली तो सियासत में भूचाल आ गया। मुंबई में इंडिया वालों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज तक से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर खास बातचीत की है, सुनिए। आप किस तरीके से देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और 3 राज्यों का चुनाव है, वो तीनों राज्यों के चुनाव बुरी तरीके से बीजेपी हारने जा रही है, जिसके कारण ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात उन्होंने शुरू की है, चलाई जा रही है ये बात। दूसरा ये है कि ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे। सरकार के एक मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की अमित शाह जी से बातचीत करके कि चुनाव पहले हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि ये उसी की एक रणनीति तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंडिया गठबंधन से बौखलाहट घबराहट का नतीजा है ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है और 3 राज्य के जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, वो बीजेपी हारने जा रही है। लेकिन अब तक ये बात आपके एजेंडे पर नहीं थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस का ये मानना था कि 3 राज्यों के चुनाव होंगे उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटेजी तय करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप थोड़ी जल्दबाजी करने की जरूरत है फॉर्मूला तैयार करने के लिए, कैंपेन स्ट्रेटेजी तय करने के लिए, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात ही इसीलिए चलाई जा रही है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है इनको हार का खतरा दिख रहा है और ये चाहते हैं कि चुनाव जो है वो एक साथ कराए जाए और पहले कराए जाए। पहले होने पर यही कारण है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसकी वजह से ये पहले चुनाव। कितना फिजिबल लगता है आपको वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे देश में? देखिए इसमें तो बहुत सारे सवाल हैं, अचानक इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये बीजेपी की घबराहट का मोदी जी की घबराहट का नतीजा ये जरूर साफ तौर पे दिख रहा है। एक जॉइंट वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप ऐसे समय में कर रहे हैं जिस वक्त इंडिया गठबंधन लगातार अपनी मीटिंगें कर रहा है, मजबूत हो रहा है, तो ये साफ तौर पे इनकी घबराहट दिख रही है। इससे 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है इसके कारण से ये कर रहे हैं। क्या कोई जॉइंट स्ट्रेटेजी आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी? क्या आप देख रहे हैं कि चुनाव अभी तो तुरंत ये खबर आई है, इसके बाद मीटिंग है, हम लोगों की चर्चा करेंगे आज, अभी थोड़ी देर में मीटिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।